अब 13 अंकों के होंगे ये मोबाइल नंबर। बिहार के उपभोक्ताओं में बड़ी उत्सुकता। JNN। मोबाइल आज हर आदमी की जरूरत बन चुकी है। मोबाइल यूजर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है कि 10 अंकों के मोबाइल नंबर में 3 और अंकों का विस्तार किया जाएगा, लेकिन यह बदलाव सिर्फ M2M सिम के लिए किया जाएगा। इस बदलाव से सामान्य मोबाइल यूजर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे लेकर बिहार में उत्सुकता देखी जा रही है। विदित हो कि 1 जुलाई से M2M सिम का नंबर 13 अंक का हो जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर सभी राज्यों को निर्देश दिया है। इंक्वायरी कर रहे मोबाइल उपभोक्ता। कुर्जी पटना के मोबाइल सिम विक्रेता संजय सिंह तथा राजेश वर्मा कहते हैं कि उपभोक्ता इस बाबत जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें 13 अंकों के सिम को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आगे मोबाइल सिम सर्विस प्रदाता कंपनियां जैसा निर्णय करेंगे वैसा किया जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, IT सचिव का जानकारी से इनकार। बिहार सरकार में IT सूचना प्रौद्योगिकी सचिव राहुल सिंह ने ऐसे किसी पत्र की जानकारी से इनकार किया है। भारत दूरसंचार निगम BSNL के महाप्रबंधक के सिंह ने भी कहा है कि इस बाबत अभी तक उन्हें सूचना नहीं मिली है। M2M सिम और सामान्य सिम में ये है फर्क। M2M सिम मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले नियमित सिम कार्ड से भिन्न होता है। ये विशेष सिम है जो अधिकतर IoT या कनेक्टेड डिवाइस में उपयोग किए जाते हैं। ये 2 या अधिक उपकरणों के बीच संचार की सुविधा देते हैं। M2M सिम मोबाइल उपकरणों के लिए आदर्श नहीं माने जाते, क्योंकि वे केवल डेटा संचार की अनुमति देते हैं। ये विशेष प्रयोजन के लिए बनाई गई विशेष डाटा के साथ विभिन्न ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। M2M कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आमतौर पर वेयरहाउस मैनेजमेंट, रोबोटिक्स, ट्रैफिक कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, सप्लाई मैनेजमेंट, रिमोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट के क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं सामान्य सिम को लोग मोबाइल में उपयोग करते हैं।